आपको पता होगा कि चिंग ची को बंद किया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये हाल है कि दरवाजा तक बंद नहीं हो रहा। वो देखें, ये वो देखें, क्या हाल क्या कर रहे हैं। बच्चियां मेरी वैसी धक्के खा रही हैं और मर्दों को जरा सी भी शर्मो हया नहीं है। भाई जान, आपको डर नहीं लगता? डर की बात नहीं है, टाइम से पहुँचना है, मगर ये भी टाइम की पाबंदी करें ना। यहाँ से अगर आप शॉर्ट लें तो खचा खच भरी हुई है ये बस। ये बस का वो हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ चंद एक सवारियों के बैठने की कैपेसिटी है और बाकी सब खड़ी हैं, जिनमें लेडीज़ भी खड़ी हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि जी चिंग ची को बंद कर दिया जाए। अगर चिंग ची को बंद कर देंगे तो फिर टांगे घोड़े चला दें, ना उनका लाइसेंस होगा ना कोई और मसला होगा। सारे तो जाते, चिंग ची जाते ही कोई नहीं। क्यों नहीं जाता यार? किराया सही है, 20 रुपये किराया। बंद कर दी है, बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। वो देखें, ये वो देखें, क्या हाल क्या कर रहे हैं। देखिएगा क्या हाल क्या हो रहा है, क्या हाल हो रहा है। मेरी आवाम किस कदर अग्रेसिव हो चुकी है। अभी बच्चियां मेरी वैसी धक्के खा रही हैं और मर्दों को ज़रा सी भी शर्मो हया नहीं है कि यार लेडीज़ को जगह दे दें। लेडीज़ फर्स्ट वाला भी फार्मूला भूल गए हैं। खुदा का खौफ करें यार, अल्लाह का रहम करें। चिंगची का जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, जो रजिस्टर्ड होंगे वो चलेंगे, बाकी को बंद कर देना चाहिए, तो क्या ये सही है या गलत है? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि रोज़गार जो है वो बंद हो जाएगा। फिर कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं जो चिंगची रिक्शा चला रहे हैं, तो रजिस्टर करवा लें, क्यों नहीं करवाते? आपको पता है यहाँ पे पढ़ी लिखी आवाम तो है नहीं, पाकिस्तानी आवाम है, इसी तरह ही करती है। अभी ये देखें, ये गवर्नमेंट की बस है। अब गवर्नमेंट की बस का ये हाल है कि यहाँ चूंटियों की तरह लोग चढ़ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये इसमें सफ़र बहुत ज़्यादा सस्ता है ना बाकी चीज़ों की नस्बत। रिक्शों में इतने ज़्यादा किराए हैं, यहाँ पे बंदा इजीली पहुँच जाता है। नहीं भाई, गरीब आवाम तो रोज़गार लगा है, वे बेचारे भुखे मर रहे हैं। और ना कोई वसीला जो है, एक इंडस्ट्री बन चुकी है, और उस इंडस्ट्री को अगर हम बंद करवा देते हैं, गवर्नमेंट बंद करवा देती है, या तो उनके मुतबादल उन्हें कोई कारोबार दें, हाँ जी ये हो, या उनके मुतबादल कोई जो ये आवाम है इनके लिए कोई फैसिलिटेट किया जाए, इन्हें कोई ऐसी सवारी चलाई जाए जिस तरह ये चलाई गई है, स्पीडो चलाई गई है। इसके मुतबादल कोई और इनको जो ना कन्वेंस के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए इन लोगों की, आवाम के। भाई जान, आपको डर नहीं लगता अगर गिर जाए? हम डर, वो डर की बात नहीं है, टाइम से पहुंचना है, मगर ये भी टाइम की पाबंदी करें ना। अब चलाएं, अब ये मुसलसल आपको देख कर ना, ये और 10 मिनट लेट हो रहे हैं। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि आप खड़े हैं। हमारे आने से तो चीज़ें दुरुस्त होती हैं, आप कह रहे हैं गलत हो रही। वो दुरुस्त नहीं हो रही, वो और ज़्यादा वो देख रहे हैं क्यों खड़े हैं। वो आपको देख के इधर उधर, वो देखें, वो भाग गया, वो चला गया कनेक्टर, कहाँ चला गया वो? अच्छा, आप इसी तरह खड़े ही जाएंगे? वो खड़े हो की जाना है, कहाँ तक जा रही है? शादबाग तक जाएगी सर, शादारा तक जाएगी, शादबाग, शादबाग तक जाएगी। जी जी। अच्छा, कहाँ आई, कहाँ से ये आई, कहाँ से ये? तो ये तो दरबार से जा रही है, और तुर्की वालों ने भेज दिया हमारे लिए। अब ये दरबार वालों ने ये तो नहीं कहा था कि दरवाजे भी खलो के जाओ, उन्होंने कहा दरवाजे बंद करके ए सी ला के जाओ। ए सी कितने ला, ए सी का तो ना ही है, जे ना उत्ते चलता ना थले चलता, बंदा आप ही चलता है। ये थी आवाम की राय जी, तो आवाम की राय हमारे लिए बड़ी मोहतरम होती है। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह ने के पान।